हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज का टॉपिक है बायफोकल ग्लासेस और प्रोग्रेसिव ग्लासेस। तो आज हम जानेंगे कि ये दोनों आखिर होते क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और प्रोग्रेसिव ग्लासेस हमें जल्दी एडजस्ट हो इसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, बायफोकल और प्रोग्रेसिव ग्लासेस ये टिपिकली आफ्टर 40 यूज़ होते हैं, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव ग्लासेस बाकी एज ग्रुप के यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, उसका रीज़न कुछ अलग होता है। जैसे बच्चों में मायोपिया प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्रेसिव लेंसेस का यूज़ होता है, मतलब माइनस नंबर जल्दी बढ़े ना, उसके लिए प्रोग्रेसिव लेंसेस का यूज़ होता है। पर टिपिकली बायफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेस ही आफ्टर 40 ही यूज़ करते हैं। तो बायफोकल लेंसेज क्या होते हैं, देखिए आफ्टर 40 पास का नंबर आता है। तो पास के लिए एक अलग नंबर होता है, दूर के लिए एक अलग नंबर होता है। इसीलिए एक ही ग्लास में दो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, दूर के लिए और पास के लिए, और वो हम एक डिमार्केशन लाइन से पहचान सकते हैं। मतलब मोस्टली वो डी शेप में होता है या कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी होती है। और अभी प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या है और बायफोकल और प्रोग्रेसिव में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, प्रोग्रेसिव लेंसेस में एक ही ग्लास में, जैसे बायफोकल में दो नंबर्स होते हैं, तो प्रोग्रेसिव में तीन सेगमेंट्स होते हैं जहां अलग अलग नंबर होता है। और वो जैसे ऊपर का नंबर दूर के नज़र के लिए, मतलब जैसे ड्राइविंग करते हैं उसके लिए, बीच का जो सेगमेंट है वो कंप्यूटर यूज़ के लिए, और जो नीचे का सेगमेंट है वो रीडिंग के लिए यूज़ होता है। तो अभी हमें कौन से लेंसेस लेने चाहिए, मतलब कौन से ग्लासेस यूज़ करने चाहिए, बायफोकल की प्रोग्रेसिव। देखिए, इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रोग्रेसिव लेंसेस में कोई लाइन नहीं होती, कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होता, जिससे मोस्टली ओल्ड अपीयरेंस दिखता है, वैसा कोई लाइन नहीं होता। पर ये अलग चीज़ हो गई, ये तो फॉर कॉस्मेटिक पर्पज़ एक अच्छी बात है। पर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जंप नहीं होता एज़ कम्पेयर टू बायफोकल। बायफोकल में दूर का देखते हैं और एकदम से हमें शिफ्ट करना होता है नियर के लिए, पर यहां एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है। मतलब नंबर में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही कम डायोप्टर में चेंजेस होते हैं, इसीलिए हमें डायरेक्टली ऐसे जंप नहीं दिखता और विजन क्लैरिटी भी अच्छी होती है। और जैसे आजकल कंप्यूटर यूज़ बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए प्रोग्रेसिव लेंसेज बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उसमें एक इंटरमीडिएट सेगमेंट होता है जो खास करके उतने डिस्टेंस के लिए मॉडिफाई किया होता है कि उतने डिस्टेंस का उन्हें क्लियर दिखे, जो बायफोकल में नहीं होता। मोस्टली आप ये जब भी ग्लासेस लगाते हैं, वो चाहे बायफोकल हो गया या प्रोग्रेसिव हो गया, तो आपको जब भी आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि इम्बैलेंस हो रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बायफोकल में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव लेंसेस। अभी प्रोग्रेसिव के डिसएडवांटेज क्या हैं, तो पहली तो वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, सेकेंड कि उसको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, कुछ कुछ लोगों में जैसे 2 हफ्ते लग जाते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम ये प्रोग्रेसिव लेंसेस पहनते हैं उन्हें तो कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा भी लगता है। और ये टाइम क्यों लगता है एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि हमें एक तो आदत नहीं होती कि डिफरेंट सेगमेंट, मतलब एक ही चश्मे में अलग अलग नंबर के तीन डिफरेंट सेगमेंट होना, इसीलिए हमें हमारे ब्रेन को टाइम लगता है समझने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कि कौन सी चीज़ कौन से सेगमेंट से देखनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा एडप्टेशन के लिए टाइम लगता है, पर एक बार आप यूज टू हो गए तो इट्स द बेस्ट लेंसेज। और कंप्यूटर यूजर्स के लिए खास करके ये बहुत अच्छे लेंसेज होते हैं। और जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो उस समय भी जो आपको तकलीफ़ होती है कि मैग्नीफाइड दिखता है, मतलब बड़ी दिखती है वो चीज़, या थोड़ा इम्बैलेंस होता है, वो आपको एक बार अगर समझ आ जाए कि किस सेगमेंट से वो देखना है, तो वो भी जल्दी रिकवर हो जाता है प्रोग्रेसिव लेंसेस में। अभी प्रोग्रेसिव लेंसेस में भी एक ट्रेडिशनल प्रोग्रेसिव लेंसेस होते हैं और एक डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेस होते हैं। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मेन तो कॉस्ट का डिफरेंस है, और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रोग्रेसिव लेंसेस में थोड़ा पेरिफेरल डिस्टॉर्शन रहता है, मतलब पेरिफेरल ब्लरिंग ऑफ विजन रहती है, जो डिजिटल इसमें भी रहता है पर काफ़ी कम हो जाता है। मतलब जब भी हम पास की चीज़ देखते हैं तो अगर हम स्ट्रेट देखें तो क्लियर दिखता है, पर अगर हम ये साइड फ्रेम से देखें तो हमें ब्लरिंग दिखती है ट्रेडिशनल प्रोग्रेसिव लेंसेस में। पर डिजिटल में ये सारा मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेस ये कस्टमाइज्ड होते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्सन।
मतलब अगर आपको मोटा मोटा डिफरेंस जानना है ट्रेडिशनल और डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज में, तो समझ लीजिए कि ट्यूब टेलीविजन और हाई डेफिनेशन टेलीविजन, इनमें जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ट्रेडिशनल प्रोग्रेसिव और डिजिटल प्रोग्रेसिव में है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है डिजिटल लेंसेज बनाते वक्त, तो उसका पावर इंक्रीमेंट 0.01 डायोप्टर से होता है वो ट्रांजिशन, जबकि जो ट्रेडिशनल है उसका 0.125 टू 0.25 से होता है। तो डिजिटल में बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से क्लैरिटी बढ़ती है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है और शार्प इमेज दिखाई देती है, और पेरिफेरल जो डिस्टॉर्शन है वो भी कम होता है, और हम जल्दी एडेप्ट होते हैं, वो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी कि आप जल्दी से प्रोग्रेसिव लेंसेस को कैसे अडेप्ट करें, कैसे एडजस्ट हो, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स में यही दिक्कत आती है कि उन्हें वो एडजस्ट ही नहीं होता है। तो मेन पहली चीज़ है कि आपको आपका फिटिंग चेक करना होगा, क्योंकि कभी कभी सेंट्रेशन ठीक से नहीं होता या फिर दो ग्लासेस का अलाइनमेंट ठीक से नहीं होता, तो इसकी वजह से भी बहुत पेशेंट्स में दिक्कत आती है। तो पहले तो आपको आपका सेंट्रेशन और आपका फिटिंग चेक कराना है, और जब भी आप खरीदते हैं तब आपको आपके ऑप्टिकल ओनर से ये बात करनी है कि आप कहाँ पहनते हैं, आपके टेक्नीशियन को बताइए कि आपका पोजिशन क्या है ग्लासेस पहनने का, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर सेकेंड टिप है कि आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा उसको एडजस्ट होने में, एक्चुअली 2 वीक्स तो लगते ही हैं, कुछ पेशेंट्स में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसे पहनते हैं। क्योंकि कैसे होता है कि जब भी आप उसे पहनते हैं, और सपोज आपका अभी रूटीन बहुत बिजी चल रहा है, तो उस समय तो डेफिनेटली वो एडजस्ट नहीं होते, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गिवअप कर देते हैं, और जो आपके ओरिजिनल ग्लासेस हैं उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा समय देना है, ऐसे इसमें उसको यूज़ मत करिए जब आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा है, क्योंकि आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे आपके ग्लासेस, कि आपके ब्रेन को भी समय लगता है वो स्पेक्ट से एडजस्ट करने में, और पहले पहले थोड़ा डिजी लगना, थोड़ा इम्बैलेंस लगना, ये बहुत कॉमन है। और तीसरी टिप है कि आप अपने प्रोग्रेसिव ग्लासेस जितना ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए यूज़ करेंगे तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसा मत करिए कि एडजस्ट नहीं हो रहा है तो पुराने ग्लासेस जो हैं उसे यूज़ कर ले, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल लगेंगे, पर लॉन्ग टर्म में वो भी आपको दिक्कत देंगे। इसीलिए आपको इससे तो जाना ही है कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पीरियड रहेगा, बट बी स्टिक टू इट। अगर लंबे समय तक आप पहनेंगे तो वो जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 3 टिप थी जिससे आपके प्रोग्रेसिव लेंसेज से जल्दी एडजस्ट हो सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।